हेलो गाइस, वेलकम टू दिजिमेडी न्यूज। तो गाइस, आप सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग। और आज हम बात करेंगे एवेंजर एंड गेम के दो बड़े बिग स्पॉइलर के बारे में, जो कि आयरन मैन से, ब्लैक विडो और हॉकआई से रिलेटेड है। अगर आपको स्पॉइलर नहीं जाने एवेंजर एंड गेम के, तो आप इस वीडियो को अभी भी छोड़ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिस वीडियो, जिसमें कि दो स्पॉइलर है। तो आप कंटिन्यू कर रहे हो, तो सबसे पहले बात करते हैं कैप्टन मार्वल मूवी के बारे में। तो फाइनली, जैसा कि आप बिहाइंड द सीन इमेजेस में देख रहे हो, तो ये सारी इमेजेस ऑलरेडी मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे डली हुई है, जो कि कैप्टन मार्वल की सैड इमेजेस और कुछ कौन सा पार्ट है, जिसमें कि सबसे ज्यादा कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, हमारे स्कल्स का। जी हाँ, तो स्कल्स का जो कॉन्सेप्ट आया वो काफी कमाल का है, और देन उसका फुल सूट रिवील्ड करा गया है। और देन जी, आपको सारी इमेजेस मेरे फेसबुक पेज से मिल जाएंगी फुल HD में। और सबसे ज्यादा इसमें गीमा चैन का जो लुक आया है वो काफी कमाल का है। देन उनके पास जो पर्सनली एक वेपन भी है, वो भी काफी ज्यादा अच्छा और लुकिंग वाइज लग रहा है। और देन जैसा कि आप कैप्टन मार्वल का देख रहे हैं, उनके मुंह से ग्रीन कलर का खून निकल रहा है। तो जी हाँ, काफी सारी चीजें डिटेल पता चलती हैं कौन सा पार्ट्स में है। देन साथ ही साथ एक स्कल्स का सेट फुटेज भी आया सामने, जैसा कि आप देख रहे हो, डायरेक्टर उन्हें समझा रहे हैं। और देन ये वाला बिल्डिंग वाला पोस्टर, जिसमें कि एवेंजर की हर मूवी का और कैप्टन मार्वल की मूवी का भी लगा हुआ है पोस्टर, तो काफी ज्यादा कमाल का लग रहा है। देन उसके बाद एक कौन सा पार्ट, और फाइनली सबसे बड़ा बैनर। जी हाँ, तो ये तो आपको याद ही होगा, जो एवेंजर एंड गेम में और कैप्टन मार्वल की मूवी में लगेगा 100%। देन उसके साथ साथ हम बात करेंगे आगे रेड प्रीमियम के बारे में। जी हाँ, तो फाइनली रेड कार्पेट शो होने वाला है 4 मार्च को कैप्टन मार्वल का, जिसमें कि पूरी कास्ट आएगी और सबों का इंट्रोडक्शन होगा। देन उसके बाद अगला अपडेट है डार्क फोनिक्स के ट्रेलर का। तो फाइनली डार्क फोनिक्स की कंपनी ने उन्होंने एक पोस्टर लॉन्च करा है, जो कि ट्रेलर की अनाउंसमेंट है। तो जल्दी हमारे सामने कल या परसों तक एक ट्रेलर होगा, या शायद आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो ट्रेलर लॉन्च हो भी चुका होगा। देन उसके बाद क्रिस इवांस ने ऑस्कर अवार्ड में काफी अच्छा एक कैप्टन का तरीके से रोल प्ले करा, तो उनकी मॉम ने उनकी काफी ज्यादा तारीफ भी करी। फाइनली डिज्नी प्लस पे जितनी भी सीरीज आएंगी वो सारी कनेक्टेड होंगी MCU की मूवी से। देन उसके बाद हाउ टू ट्रेन ड्रैगन्स का तीसरा जो पार्ट है, उसे A+ सिनेमा स्कोर मिला है। अगर आपको ये शायद अपडेट मेरे इंस्टाग्राम पेज पे पता चल चुका होगा। उसके बाद अब एक सीक्रेट अपडेट, तो फाइनली लीगो सेट मिस्टीरियो का काफी कमाल का लग रहा है, और ये उसका फुल बॉडी अप सूट है, जो कि एकदम हेलमेट और उसके अंदर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और देन अगला अपडेट ये, तो ये इमेज काफी ज्यादा ब्लर है, इसमें हमें हॉकआई और ब्लैक विडो का फर्स्ट लुक और उसका क्वांटम रेम सूट भी दिखाई दे रहा है। और हॉकआई के पास अपना खुद का एक एरो और ब्लैक विडो के पास 2 रॉड है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी छोड़ती है। तो गाइस, ये है वो एकदम फुली कौन सा पार्ट। देन ये थोड़ा सा ब्लर है, मैं अपने फेसबुक पेज पर डाल दूंगा, तो आप इसे जूम करके आराम से देख सकते हो। देन उसके बाद आयरन मैन के पास एवेंजर एंड गेम में खुद का एक आर्मर होगा। देन उसके साथ ये क्वांटम रेम सूट भी है, और उसके साथ हाथ में एक पेपर, काफी ज्यादा कमाल का लग रहा है। तो ये सारे पोस्ट मैं अपने फेसबुक पेज पर डाल दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो जूम कर करके। तो कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे, या तो उस पर स्पाइडरमैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।